का हमारा जो विषय है वो है चेहरे पर चमक किस प्रकार लाई जाए नेचुरली। मेरा एक प्रश्न है। हाँ बताओ बताओ। सब फेस वॉश लगा लिए पर चेहरे पर चमक नहीं आती। अच्छा तो भाई ये आज के समय में ये समझो कि 50% युवा के मन में यही शंका है और जिसका समाधान उनको नहीं मिल पा रहा है। वो यही सोचते हैं कि हमने सब फेस वॉश ट्राई कर ले, हर कंपनी का ट्राई कर लिया, उसके बावजूद भी हमारे चेहरे पर चमक नहीं आ रही। तो भाई मैं देखो पहले एक बात कहता हूँ, आप ध्यान से सुनना, 10 कंपनी हो आप जितने फेस वॉश लगाओगे ना आपके चेहरे पर चमक नहीं आएगी। थोड़ी बहुत ही देर वो आपके रंग को साफ कर देगा, जो आपके छिद्रों में थोड़ा बहुत मैल भरा होगा उसको वो साफ कर देगा, उसके बाद जो कि तो गंदगी आपके चेहरे पर दोबारा आ जाएगी। आपका चेहरा जो हल्का फुल्का चमक नहीं, वो हल्का साफ हो जाता है और साफ जो हुआ है वो थोड़ी बहुत देर में फिर गंदा हो जाएगा और आपकी शक्ल वैसे की वैसी हो जाएगी। और बहुत सारी फेस वॉश जो ये कंपनियां हैं इनका तो रिएक्शन ये भी देखने को मिला है कि आपके जो चेहरे है उस पर पिंपल्स मुहासे कील भी निकल आती है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जो कि आपको बड़ा चेहरे को भद्दा कर देते हैं। आप साफ सुथरा होना चाहते थे, सुंदर बनना चाहते थे, वहीं आप एक गंदा शक्ल अपनी काली पीली अजीब सकल की ले लेते हो। देखो परमात्मा ने आपको दो ही रंग दिए हैं, एक तो सफेद रंग और एक काला रंग, ये दोनों परमात्मा के दिए हैं और परमात्मा ने जैसे हमको बनाया है उस रंग को तो हम नहीं बदल सकते। जैसे अब हमारा ये रंग है, हम इसको ये नहीं कि बिल्कुल सफेद कर दें या इसको बिल्कुल काला कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। बस इस चेहरे पर जो है चमक ला सकते हैं, जो शाइनिंग चेहरा करता है, ग्लो करता है, चमक आती है, वो हम ला सकते हैं। बाकी हम अपने चेहरे को काले से गोरा नहीं कर सकते और ऐसी हम गारंटी भी नहीं देते कि आपका चेहरा काले से गोरा हो जाएगा। केवल इतना है कि आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी, शाइन लगेगी, सामने वाला आपकी शक्ल को देखकर, आपकी सूरत को देखकर अट्रैक्टिव हो जाएगा और कहेगा भाई हाँ बंदे में कुछ दम है। तो पहले पॉइंट की इसकी हम बात करते हैं, जो अक्सर बच्चे नौजवान साथी गलतियां करते हैं वो है सुबह को लेट उठना। आचार्य चाणक्य नीति में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सुबह को जो सूर्योदय के बाद उठता है उगता हुआ सूर्य उसके तेज को हर लेता है और जब उसका तेज खत्म हो गया तो वो चेहरे पर चमक तो फिर खत्म। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है आचार्य चाणक्य की इस बात को कि सुबह को 4 बजे उठना है और 4 बजे ना उठ सको ना तो सूर्योदय से पहले उठ ही उठो। आजकल सूर्योदय 5:15 के आसपास हो रहा है, सावन का महीना चला हुआ है, कभी बादल भी हो जाते हैं, 5:15 के आसपास सूर्योदय हो रहा है, 5:30 से 5:30, तो आपको उससे पहले उठ जाना है। रामायण में भी जब भरत उनके पास आते हैं, श्री राम के पास, वो बोलते हैं कि मुझे वो पाप लगे जो सुबह सूर्योदय के उठने के बाद वाले को लगता है। तो कितनी बड़ी बात भरत जी बोलते हैं कि उसके बाद जो उठते हैं उनको जो पाप लगता है वो मुझे लगे। तो आप समझ सकते हो कि सुबह जो लेट उठता है उनको कितना ही दोष लगता है, कितना पाप लगता है, चेहरे पर चमक तो आती नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा जो ब्रह्मचारी होते हैं वो सदैव 4 बजे उठते हैं, इसलिए ही उनके चेहरे पर चमक भी होती है। नंबर 2 है व्यायाम। अब बहुत भाई सुबह उठते हैं, थोड़ा व्यायाम करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, वो भी बहुत बड़ी गलती है दोबारा सोने की, क्योंकि हमने जो मेहनत करी, जो हमने ऊर्जा प्राप्त करी वो हमने सोने के बाद दोबारा खत्म कर दी। तो दोबारा आपको सोना नहीं है, किसी भी प्रकार नहीं सोना है। आप उसके बाद स्नान करो, प्राणायाम करो, उपासना करो, ईश्वर की उपासना करने से सुबह बहुत मन अच्छा रहता है। तो भाई व्यायाम तो जरूर करो सुबह के समय। देखो भाइयों व्यायाम के एक और फायदे है, व्यायाम से जब आपको सुबह पसीना आएगा, जो आपके शरीर से पसीना निकलेगा, तो आपके जो छिद्र बंद हो रखे हैं जब पसीना नहीं आता वहां से पसीना आने लगेगा और आपके चेहरे पर ऑटोमेटिक चमक आ जाएगी। तो भाई अगला है, देखो हम एक और क्या कर सकते हैं नेचुरली, एलोवेरा लगा सकते हैं। हमारे सभी के घर में एलोवेरा का एक पेड़ अवश्य मिल जाता है, 1 से 2 भी, किसी के 3 भी मिल जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके जो हरा हरा होता है ऊपर से, हरे हरे को उतार के अंदर से जो उसमें व्हाइट व्हाइट होता है, एक तरल पदार्थ होता है, उस पदार्थ को हम चम्मच से निकाल के खा भी सकते हैं और हाथ से करके चेहरे पर अच्छे से रगड़ भी सकते हैं। अब बहुत भाई कहते हैं कि उसमें हरे वाला लगाएं या अंदर वाला लगाएं, तो भाई उसके जो अंदर तरल पदार्थ होता है वो चीज लगाएं, वही बेनिफिशियल होती है और आपको काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगी। हम एक और काम क्या कर सकते हैं, आपके पास देसी गाय का दूध होगा, देसी गाय का ना हो किसी और गाय का हो, हमको आधा गिलास ले लेना है और आधा गिलास में हमको एक रुई का कपड़ा ले लेना है या कोई और कपड़ा ले लेना है और उसको डालना है उसमें और अपने चेहरे पर अच्छे से मालिश करनी है। उससे क्या होता है, जो हमारे छिद्र बंद हो रखे हैं वो
वो दूध की रगड़न से और कपड़े की रगड़न से वो खुल जाते हैं, जिससे चेहरे पर ऑटोमेटिक चमक आने लगती है। पर ऐसा मत करना कि भाई ये आपने फॉर्मूले अजमा रहे हो और सुबह को आराम से 9-10 बजे उठ रहे हो, तो उसका भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपको पूरे अच्छे से नियम करने होंगे, फॉलो अच्छे से। जब आप नियम को करोगे तो उस समय ही आपको लाभ मिलेगा। अब आपने चेहरे पर दूध तो लगाया, सुबह को आपको क्या करना है, नहाना है अच्छी प्रकार से। आप एक कपड़ा ले लो, सूती कपड़ा, और जो हल्का सूती कपड़ा, ज्यादा मोटा नहीं, हल्का कपड़ा, उसको रोज आप अपने चेहरे को अच्छी प्रकार रगड़ो। चेहरा क्या, पूरा शरीर को, पूरे शरीर को घर्षण स्नान बोलते हैं। घर्षण स्नान के भी कई सारे लाभ हैं। मान लो आपके शरीर में किसी जगह से पसीना नहीं निकलता और आपकी बीमारी वहीं रम रही है, जम रही है, तो वो क्या करेगी, वहां से फोड़े फुंसियां उत्पन्न कर देगी या कुष्ठ रोग उत्पन्न कर देगी। लेकिन जब आप अच्छी प्रकार वहां से रगड़न करोगे उस कपड़े के द्वारा, तो आपके जो छिद्र हैं वहां से बंद हो रखे हैं वो बिल्कुल खुल जाएंगे और आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए घर्षण स्नान करें। घर्षण स्नान, इसको शास्त्र में बताया गया है, चेहरे पर तो कपड़े को रगड़े ही रगड़े, आपका चेहरा हमेशा सोच जाएगा। देखो क्या होता है, इस शरीर में जितना इस शरीर को अच्छे अच्छे स्वादु पदार्थ हम देते हैं, तो उतने शरीर में बीमारियां भी जमा होती हैं। इसीलिए ही हमें अपने शरीर की स्वस्थ, अपने शरीर को सोच भी करना है। ये नहीं कि बस अच्छे अच्छे हमने खाना खा लिया और इस शरीर को सोच नहीं कर रहे हैं। तो भाई अपने शरीर को सोच करो और अपने शरीर के साथ साथ अपने आसपास की भी सफाई रखो, क्योंकि अगर आपके आसपास की सफाई भी नहीं होगी ना, तो आपका धूल मिट्टी आपके आसपास आती रहेगी आपके भोजन आदि के माध्यम से। तो इसलिए अपने शरीर को भी साफ रखिए, शरीर को स्वस्थ रखिए। और देखो कहते हैं कि दीपक जब ही जलता है जब उसके अंदर तेल होता है। दीपक कब जलता है, दिया कब जलता है, जब उसके अंदर तेल होता है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी जब ही चमकता है जब इसके शरीर के अंदर तेल होगा। तो तेल कहां से आएगा, हम प्रतिदिन या हफ्ते में या महीने में ब्रह्मचर्य का नाश कर देते हैं, और जब ब्रह्मचर्य का नाश होता है तो हमारे शरीर का जो अंदर का तेल है, ऊर्जा है, वीर्य है, वो खत्म हो जाता है। और जब वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो हमारे शरीर का, शरीर से जो दिया जलना है, चमकना है, वो क्या, बंद हो जाएगा। तो ये नियम भी आपको ध्यान में रखना है कि अपने ब्रह्मचर्य नियम को दृढ़ करना है। जब तक आपका ब्रह्मचर्य नियम दृढ़ नहीं होगा तो आपका चेहरे पर चमक भी नहीं आएगी। ये सीधी सी बात है, और इसको जितनी जल्दी आप समझ जाओ उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। नहीं तो प्रतिदिन ब्रह्मचर्य नाश कर करके आपका शरीर कमजोर हो जाएगा और चेहरे में ना जाने कितनी बीमारी आ जाएगी, आप काल के ग्रास में फंस जाओगे। इसको बोलते हैं कि ये मनुष्य काल के ग्रास में फंस गया, ये दुनिया भर का बीमार है। जिनको फोड़े फुंसी हैं चेहरे पे, कील मुहासे, कितनी ही बीमारियां हैं, धब्बे पड़ रखे हैं चेहरे पर, वो भी मैं उनको कहना चाहूंगा, आप कुछ दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, उसके बाद देखना आपके शरीर में किस प्रकार से बदलाव होने लगते हैं। आपके चेहरे पर जो बीमारियां हैं, चेहरे पर जो धब्बे पड़े हुए हैं, आप डॉक्टरों को या किसी मेडिकल में दवाई ले लेकर आप, या कोई और दवाई लेकर अनेकों प्रकार की जो आप चिकित्साएं करवा रहे हैं, उससे बीमारियों के अलावा आपको, आपको पैसे खर्च के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। जो आप डॉक्टर को या अनेकों जगह मेडिकल टेस्ट करवा करवा कर आप जो अपनी चिकित्सा करवा रहे हो, उससे आपको कोई लाभ भी नहीं मिल रहा होगा, आपके पैसे भी खर्च हो रहे होंगे। तो आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, उसके बाद देखना आपका शरीर पर जो आपके कील मुहासे धब्बे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो भाइयों देखो, प्रतिदिन हम अनेकों चीज़ों के माध्यम से अनेक चीज़ें सीख रहे हैं, इसी प्रकार हम प्रतिदिन अलग अलग वीडियो के माध्यम से भी सीख रहे हैं।